सो है गाइस, यू आर वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि भाई पिंक डायमंड जो है, आपको मैं दिखा दूँ। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम इवेंट में जाते हैं और यहाँ पे वॉच एड्स पिंक डायमंड है, ये वाले पिंक डायमंड आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। वहाँ पे बताया है कि भाई आप अनलिमिटेड पिंक डायमंड को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अनलिमिटेड डायमंड को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसकी पूरी रियलिटी बताऊंगा। क्या सच में आप अनलिमिटेड डायमंड ले सकते हैं पिंक वाले और उन्हें आप एक्सचेंज कर सकते हैं डायमंड से, सब कुछ आज की इस वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो ये जो ये कोल्ड क्या बोलते हैं इसको, कौन सा कोल्ड स्टील गोल्ड है, ये वाला टोकन आपको कैसे मिलेगा और डबल रैंक कार्ड आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो एग्जैक्ट वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे उस टोकन की। यहाँ पे अगर हम नीचे की साइड में जाते हैं, हमें ये डीजे आलोक का जो बंडल है, इसे एक्सचेंज करने के लिए दो टोकन की ज़रूरत पड़ती है। पहला है कोल्ड स्टील सिल्वर टोकन और दूसरा है कोल्ड स्टील गोल्ड टोकन। तो यहाँ पे ये वाला टोकन तो हमें गेम के अंदर मिल रहा है सिल्वर वाला, लेकिन गोल्ड वाला टोकन हमें अभी तक नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ ये हमें कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, 16 नवंबर को शूट वर्ल्ड सीरीज जो इसकल क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड सीरीज है 16 नवंबर को, उस दिन आपको गेम के अंदर ये गोल्ड वाला टोकन मिल जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पे रैंक टोकन की। तो यहाँ पे देखो 16 नवंबर को जो फाइनल होने वाला है, 16 नवंबर को फ्री फायर का जो लीग चल रही है उसका फाइनल है, उससे पहले आपको मतलब 16 नवंबर जैसे ही स्टार्ट होगा रात के 12 बजे या फिर सुबह 4 बजे आपको ये डबल रैंक कार्ड मिल जाएगा। और आपको ये शायद मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है, ये रैंक कार्ड जो है रात के 8:30 बजे से पहले पहले ही आप इसे यूज कर सकते हो, उसके बाद आई होप ये आपसे ले लिया जाएगा क्योंकि 8:30 बजे वर्ल्ड सीरीज़ का फाइनल होगा। तो यहाँ पे बताया भी गया था कि जो वर्ल्ड सीरीज़ होने वाली है 8:30 बजे, उससे पहले पहले आपको गेम प्ले करना है, तभी आपको डबल रैंक कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ के भाई हम अनलिमिटेड पिंक डायमंड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यूट्यूब पर वीडियो देख ली होगी कि भाई अनलिमिटेड पिंक डायमंड को कैसे लें, तो अभी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम एड्स देखेंगे कितने एड्स हैं और फिर आपको बताऊँगा आप सारे एड्स देख के कितने डायमंड ले सकते हो और आप इन्हें रियल डायमंड से एक्सचेंज कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, वीडियो में भी बना सकता था कि भैया अनलिमिटेड डायमंड को कैसे कलेक्ट करें, फेक वीडियो कोई भी बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 30 एड्स हैं, 30 एड्स। अभी हम ओनली सिर्फ और सिर्फ डायमंड गिन लेते हैं कितने, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 11, 12, 15, 17, 18, 19। तो यहाँ पे देखो 20 पिंक डायमंड है। अगर आप डेली के 30 एड्स देखते हो तो आपको 20 ही पिंक डायमंड मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग, भैया मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूँगा, वैसे मुझे तो पता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग आपको बता रहे हैं कि प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, क्या बोलते हैं उसको, ऑटो क्लिकर, और आप यहाँ पे अनलिमिटेड डायमंड को कलेक्ट कर सकते हो। भैया ऑटो क्लिकर भी 30 ही एड्स देख सकता है, जब फ्री फायर यहाँ पे आपको 30 ही एड्स देगा और डेली के आप सिर्फ और सिर्फ 20 ही पिंक डायमंड को कलेक्ट कर पाओगे, तो अनलिमिटेड कहाँ से हो गई भाई, आप मुझे ये बताओ। और अभी बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको कि रियल डायमंड में कैसे एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे स्टोर में, स्टोर में जाने के बाद हम रिडीम में जाएंगे, रिडीम में जाने के बाद यहाँ पे देखो पिंक डायमंड है, तो पिंक डायमंड में आप इन्हें मतलब ये जो बंडल्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये रियल डायमंड में मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप इन डायमंड से इन्हें परचेस कर सकते हो। चलो वो ठीक है कि रियल डायमंड में आप इन्हें एक्सचेंज कर रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन भाई यहाँ पे अनलिमिटेड पिंक डायमंड आप कलेक्ट नहीं कर सकते। डेली के 20 ही डायमंड आप कलेक्ट कर सकते हैं, 21 नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है, चाहे आप ऑटो क्लिकर का यूज़ करो या फिर कुछ भी करो। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फिर यार
लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ मैंने इस वीडियो में आपको क्या अच्छा बताया क्या गलत बताया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप यहाँ पे इनक्यूबेटर में जाते हो, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मैं आपको बताए यहाँ पे ज़्यादा डायमंड वेस्ट नहीं करता, कुछ निकलता तो है नहीं। इनक्यूबेटर में न्यू बंडल्स आ चुके हैं तो जाओ स्पिन कर सकते हो अगर आपके पास फालतू के डायमंड है, ठीक है। तो चलो यार।